बीइंग अ पेरेंट नाउ हमको लगता है कि आईपैड टाइम या टीवी टाइम थोड़ा लिमिटेड होना चाहिए एंड बच्चों को एक दूसरे के साथ अच्छा एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने एक जो अपना टीवी शो है इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज वापस शुरू किया जो बच्चों का शो है। सो आई जस्ट स्टार्टेड सीजन 2 एंड आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर इट 12 दिसंबर को आई थिंक इट विल स्टार्ट एयरिंग एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि जो बच्चे परफॉर्म करते हैं पीसेस पूरे भारत से आते हैं दे कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड जो वो लोग पीसेस स्टेज पर हमारे सामने परफॉर्म करते हैं वो पीसेस कहीं ना कहीं रेजोनेट करती हैं विचारधारा क्या है बच्चों की व्हाट आर किड्स थिंकिंग राइट नाउ एंड इट वाज सो इंटरेस्टिंग टू सी दैट सो मेनी चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट एजेस वर सेइंग दैट ऑन स्टेज कि आजकल मज़ा नहीं आता क्योंकि सब बच्चे अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं अपने अपने लैपटॉप पे लगे रहते हैं। शाम के समय जब खड़े रहो नीचे और बुलाने शुरू करो कि यार उतरो अपने घरों से निकलो खेलने उतरते हैं गार्डन में चलते हैं तो बच्चे आते नहीं हैं एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट किड्स आर फीलिंग दैट ऑल्सो। मतलब ये बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज बच्चे महसूस करने लगे हैं कि मैदान खाली हैं प्लेग्राउंड्स खाली हैं और बच्चों को खेलने के लिए कोई मिल नहीं रहा। सो आई थिंक इट इज़ बिकमिंग एन एपिडेमिक ऑफ सॉर्ट्स एंड थोड़ा सा पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहिए बिकॉज इट हैज़ लाइक यू सेड करेक्टली फिजिकल रैमिफिकेशंस। नमस्कार सलाम सत श्री अकाल दिस इज विवेक ओबेरॉय एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू द मुंबई जूनियर मैराथन।